टॉपिक हमारा ओजोन डिप्लीशन। ओजोन का खात्मा। अब सबसे पहले बेटे जो ओजोन है ये है क्या? ओजोन जो है ऑक्सीजन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। अब ऑक्सीजन की सूरत में भी पाई जाती है, O2 की सूरत में, और ओजोन की सूरत में भी ऑक्सीजन पाई जाती है, इसलिए इसे कहते हैं हम कि ये एलोट्रॉपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। ओजोन जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर। ये भी हमारा प्रीवियस नॉलेज हमें बताता है कि ये स्ट्रेटोस्फीयर के मिड में पाई जाती है। अपर लेयर में क्यों नहीं पाई जाती? बिकॉज इट ब्लॉक्स अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम सन। सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से हमें बचाती है, ये उनको ब्लॉक करती है। जब ये उनको ब्लॉक कर रही है तो तब ये खुद टूट रही है। तो अपर रीजन में स्ट्रेटोस्फेयर के ये इसलिए नहीं पाई जाती कि वहाँ पर O3 जो है वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से O2 और O में तब्दील हो रही है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और मोनोटॉमिक ऑक्सीजन में तब्दील हो रही है। जबकि जो हमारा मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर है, चूँकि यहाँ तक अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पहुँच बहुत कम रही होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये दोबारा आपस में मिलते हैं और ओजोन के मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाते हैं। अब ये वाला जो प्रोसेस है अपर स्ट्रेटोस्फीयर में हो रहा, ये डीकम्पोजिशन है। और ये वाला जो प्रोसेस है दैट इज फॉर्मेशन, यहाँ पे बन रही होती है, इसीलिए ये मिड ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब बेटे ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक तय बना रही है, इसीलिए इसको हम नाम देते हैं इट फॉर्म्स अ ओजोन लेयर अराउंड द ग्लोब। अब एज अ होल इसका फंक्शन देखें, ये हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती हैं। और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के नुकसान क्या हैं? अगर वो यूवी लाइट उसी मिकदार में कुरा अर्ज पर आती है तो दैट कैन काज स्किन कैंसर्स। इसकी वजह से स्किन कैंसर्स जो हैं उनके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओजोन के खात्मे के और भी बहुत सारे नुकसान आते हैं, लेकिन जो मेजर है इसका वो स्किन कैंसर है। अब बेटे हमारी एक्टिविटीज़ ये डिप्लीट कैसे हो रही है? हमारी एक्टिविटीज़ से मुराद हमने ठंडक पैदा करने वाली चीज़ें बनाई, मशीनें बनाई, उनके अंदर गैसेस का इस्तेमाल होता है। अब उन ठंडक पैदा करने वाली चीज़ों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो निकलते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं चूंकि हवा से हल्के होते हैं, CFCs का हम नाम देते हैं, और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन की हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब ये हवा से हल्के हैं तो ये ऊपर उठ जाते हैं, उस रेंज तक पहुंच जाते हैं जहां पर हमारी ओजोन मौजूद है। अब इन यूवी रेडिएशंस की वजह से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं ये टूटते हैं, ये CFCl2 में तब्दील होगा और साथ हमारे पास क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल बनेगा। साथ क्या बन गया? एक क्लोरीन का ये फ्री रेडिकल। ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल है ये ओजोन को तोड़ता है, वहाँ पर मौजूद उस ओजोन के साथ ये मिलेगा, उसकी ब्रेकेज का बायस बनेगा। वो कैसे? ये तब्दील होगा OCl+O2 में। अब इसने ओजोन को
मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में तब्दील कर दिया, ओजोन नहीं रहने दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये OCl वहीं मौजूद है, वहां पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी मौजूद हैं, ये फिर टूट जाएगा। एक इसने बना दिया मोनोटॉमिक ऑक्सीजन और साथ ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है फिर आजाद हो गया नेक्स्ट ओजोन के मॉलिक्यूल को अटैक करने के लिए। अब ये जो मोनोटॉमिक ऑक्सीजन बनी, ऐसे ही रिएक्शन से एक और मोनोटॉमिक ऑक्सीजन आएगी तो ये फिर किस में तब्दील हो जाएगी, O2 के अंदर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में तब्दील हो जाएगी। अब मतलब क्या है कि ये जो ओजोन है वो ओजोन नहीं रह रही, वो ओजोन जो है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में तब्दील होती जा रही है। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है ये ओजोन का काम नहीं कर सकती, जो ओजोन है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का काम नहीं कर रही। क्या यूजेज है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का, हम सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं, जबकि ओजोन जो है हम सांस के जरिए अंदर ले भी जाएं तो हमारे लिए वो किसी काम की नहीं। मतलब अब ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल, एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल लाखों ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तबाह कर सकता है। ये इसी तरह चेन दोबारा से चलती रहेगी, ये फिर फ्री रेडिकल आजाद जो है फिर ओजोन से मिलेगा, फिर ओजोन को ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में तब्दील करेगा, साथ OCl बनेगा, ये OCl फिर टूटेगा, फिर इसने मोनोटॉमिक ऑक्सीजन बना दी, फिर ये फ्री रेडिकल आजाद हो गया, फिर ये नेक्स्ट ओजोन मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। तो इस तरह एक फ्री रेडिकल जो है, तो वहां पर ये ट्राइक्लोरो फ्लोरोकार्बन जो हैं ये एक तो नहीं मौजूद, ये भी तो काफी सारे मॉलिक्यूल मौजूद हैं, तो इसकी थोड़ी सी मिकदार ओजोन के खात्मे का बाइस बनती है। अब जहां पर ओजोन लेयर खत्म होती है, अब सपोज ये एक तय है किसी भी शय की, अब यहां से वो खत्म होना शुरू हुई तो अब ये वाला पॉइंट जो है ये होल कहलाएगा। अगर ये ओजोन है तो फिर ये होल चूंकि ओजोन में हुआ तो अब इसको हम क्या नाम देंगे, ओजोन होल। अब इसका नुकसान क्या होगा कि ये तो ब्लॉक कर रहा था अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, वो आ रही थी उनको वापस भेज रहा था, अब जब ये होल मौजूद है तो अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो ब्लॉक हो पाएंगी, नतीजतन क्या होगा, वो हमारी कुरा अर्ज तक पहुंचेंगी और पहुंच रही हैं। जो पहला ओजोन होल डिस्कवर हुआ वो अंटार्कटिका में इन 1980s में डिस्कवर हुआ, और अब जो है सिंस 1990s डिप्लीशन हैज आल्सो बीन रिकॉर्डेड ओवर द आर्कटिक। आर्कटिक क्या है, नॉर्थ मोस्ट एरियाज ऑफ द अर्थ, जो नॉर्थ में इलाके मौजूद हैं उन रीजन को हम आर्कटिक जो है के नाम से बुलाते हैं, तो वहां पर भी ओजोन होल जो है वो देखा गया। अब इस ओजोन होल के इफेक्ट्स, सबसे मेजर जो है बेटे इस ओजोन डिप्लीशन की वजह से, ओजोन होल की वजह से, अल्ट्रावायलेट के जमीन पर आने की वजह से क्या हो रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं वो जमीन तक आ रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, स्किन कैंसर के चांसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अब इसकी कमी, ओजोन लेयर की कमी जो है, दैट विल इंक्रीज द इंफेक्शियस डिजीजेस लाइक मलेरिया, ओजोन के खात्मे की वजह से जो इंफेक्शियस डिजीजेज हैं मलेरिया जैसी ये बढ़ रही हैं।
इट कैन चेंज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स डिसरप्टिंग द फूड चेन. ये तब्दील कर रही है लाइफ साइकिल्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के लाइफ साइकिल्स, और बेटे तबाह कर रही है या मदाखलत कर रही है किसमें, बाय डिसरप्टिंग फूड चेन. फूड चेन में खलल पैदा कर रही है. फूड चेन एक मुसलसल अमल है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी या टर्शरी, फिर उसके बाद दोनों की डेथ के बाद डीकम्पोजर. और अब अगर पौधे उसमें मिस होते हैं या उनके लाइफ साइकिल डिस्टर्ब होते हैं तो जारी बात है सारी की सारी फूड चेन जो है वो डिस्टर्ब होगी. इट कैन चेंज द विंड पैटर्न, मतलब इट इज इन्वॉल्व नाउ इन क्लाइमेट चेंजेस. इस ओजोन के खात्मे की वजह से मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं, मौसम जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं. स्पेशली इन एशिया एंड पैसिफिक विल बी द मोस्ट अफेक्टेड रीजन्स. उसकी वजह, उसकी वजह ये कि एक तो यहाँ पर कारखाने फॉसिल फ्यूल्स का जलना, और ऊपर से उनके लिए कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज नहीं है, ब्राय नाम मौजूद हैं, फंक्शनल नहीं है, आलूदगी उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है. और आपको पता है नाउ डेज हमारे मुल्क को एक आज़ाद हासिल है कि नहीं, पता है लाहौर नंबर वन सिटी है आलूदगी में. अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने हमें भी कोई एजाज दिया. फेसिंग क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन ऑफ पीपल क्राइसिस. अब इससे होगा क्या, जब क्लाइमेट चेंजेस आएंगी कोई भी जगह रहने के काबिल नहीं रहेगी. अब जो लोग उस खित्ते से तंग होंगे वो किस तरफ को मूव करना शुरू करेंगे, सेफ इलाकों की तरफ जहां मौसम ठीक है, जहां पे उनको किसी किस्म की शिद्दत का सामना ना करना पड़े. तो इससे क्या होगा, लोगों की माइग्रेशन के क्राइसिस जो हैं वो जन्म लेंगे. यहां तक है जी, आपकी ओजोन डिप्लीशन